हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के ऊपर। गाइस, बच्चों का जो सबसे बड़ा सवाल है कि सर हम मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं बट जो हमारे मार्क्स है ना वो या तो 40 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, 60 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारे मार्क्स क्या हो जाए, इनक्रीज हो जाए गाइस? तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो आप क्या करते हो जब आप मॉक टेस्ट देते हो, तो मॉक टेस्ट देने के बाद जो सबसे बड़ी गलती आप जो करते हो वो आप देखते हो अपना जो कंपैरिजन कर स्टार्ट करते हो टॉपर से। तो गाइस देखो, टॉपर मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे फेक होते हैं बट 99% तो वो क्या होते हैं जो टॉपर्स का एक जो होता है ना, 100 आउट ऑफ 100 होते हैं। अगर आरआरबी पीओ की बात करूँ, क्लर्क के 80 आउट ऑफ 80 होते हैं। देखो गाइस, ये विदिन वो भी क्या होता है उनका आधे घंटे में हो जाता है, किसी का 40 मिनट। नहीं गाइस, अगर एक एवरेज स्टूडेंट है वो अगर जेनुअन तरीके से अगर मॉक टेस्ट देता है तो उसके स्कोर 80 तक 85 तक आ सकते हैं, बट आउट ऑफ 100 तो पॉसिबल नहीं है। वो क्या करते हैं, दो आईडी से रखते हैं, एक से लगाते हैं और उसके बाद दूसरी से क्या करते हैं वो फेक टेस्ट वो दे देते गाइस। तो उसका क्या होता है, उनका वो टॉपर की लिस्ट में टॉप कर जाते हैं गाइस। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी, आप अपना जो हो रहा है वो उसको नहीं देखना है। सबसे पहले क्या क्या अपना आपको मॉक टेस्ट दिया, अब देने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको क्या करना है जब भी मॉक देना है तो दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो स्पीड, दूसरी आपकी एक्यूरेसी, ये दोनों खराब नहीं होनी चाहिए। तो अब जब अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो और आप टेस्ट देना स्टार्ट करने वाले हो या कर चुके हो, तो आपको बता दूं, अगर मैं आरआरएस की बात करूं, अगर 80 में से अगर आपके 40 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो रहे हैं ना तो उसको 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो। अगर अदर एग्जाम की बात करूं जिसमें 100 नंबर का होता है, तो आप अगर उसमें 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो या 50 भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको भी आप 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो। पहली चीज तो ये दिमाग में बैठा लो, अगर आपके स्पीड की चक्कर में आप अपनी एक्यूरेसी मत खराब करो। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है तो स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्टार्टिंग से बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में मॉक दिया था तो मेरे जब मुझे यहाँ जहाँ तक याद है 100 में से मेरे 25 या 30 नंबर मेरे आए थे गाइस। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 मैंने अपना स्पीड पे फोकस नहीं किया, मैंने अपना जो फोकस है वो एक्यूरेसी पे स्टार्ट कर दिया। जब एक्यूरेसी मेरी 100% होने लगी तो धीरे धीरे मेरे मार्क्स भी इंक्रीज हो गए। आरआर भी मैंने 76 भी गेन किया है, आरआरबी पीओ मैंने 70 भी गेन किया है, बाकी एग्जाम में बात करूँ तो यहाँ तक कि मैंने 80 भी गेन किया है। तो आप देख सकते हो मैंने वीडियोज भी डाल रखे। आपको वही चीज करनी, आपको अपनी स्पीड पे फोकस नहीं करना स्टार्टिंग में, आपको स्टार्टिंग में फोकस करना अपनी एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी अगर परफेक्ट होती जाएगी तो आपका स्कोर भी ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप क्या करते हो, जब प्री की अगर मैं बात करूँ तो प्री में आप क्या करते हो, जैसे कुछ ऐसी टेस्ट सीरीज होती है जो बोलते तो प्री का है बट लेवल उनका क्या होता है, मेंस लेवल का हो जाता है या कहीं पीओ लेवल के। वो उसमें क्या करते हैं, जैसे क्लर्क की बात करूँ, आरआरबी क्लर्क की बात करूँ या आईपीएस क्लर्क की बात करूँ चाहे एसबीआई क्लर्क की बात करूँ, तो उनका जो पेपर आता है वो इजी आता है। वो क्या करते हैं, उन्हीं के पेपर में क्या करते हैं वो पीओ का लेवल डाल देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों के स्कोर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी, आपको क्या करना है, एक ऐसी टेस्ट सीरीज लेनी जैसे टेस्ट बुक हो गया, आपकी अड्डा 247 हो गई, ये थोड़ी सी प्री का लेवल लेके चलती है, तो आप इनसे स्टार्ट करो। उसके बाद अगर आपको लगता है थोड़ा और लेवल बढ़ाना है तो आप क्या करो, अदर ऑली बोर्ड हो गया, आपकी प्रैक्टिस बुक हो गई या टेस्ट जोन हो गई, ऐसी टेस्ट सीरीज में आप जा सकते हो। तो वहां से आपको थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वहां से आप उसको अटेम्प्ट करो। पहले स्टार्टिंग क्या करो, आप जैसे आपकी टेस्ट बुक हो गई, ग्रेड अप हो गई, अड्डा 247, इनसे स्टार्ट करो। इनसे स्टार्ट करोगे तो आपका जो लेवल आपको पता चल जाएगा, वहां से अगर आपका स्कोर अच्छा आएगा तो आप भी मोटिवेटेड रहोगे। और आने वाले दिनों में क्या करोगे, अगर आपका थोड़ा लेवल चाहिए तो अदर टेस्ट सीरीज पे आप स्विच कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये आपका होना चाहिए। अगर आपके मॉक्स नहीं आ रहे तो आप क्या करो, जैसे मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे तो पहले स्पीड पे बैटर ना करके आप एक्यूरेसी फोकस करो। पहली चीज तो ये, एक्यूरेसी परफेक्ट हो जाएगी तो आप धीरे धीरे स्पीड की तरफ बढ़ सकते हो, ये हो गया। दूसरी आप क्या करो, एक ऐसी टेस्ट सीरीज लो जो क्या हो थोड़ी सी इजी लेवल के मॉक देती है। ठीक है, उसके बाद अगर दोनों हो चुका है, अब तीसरी चीज आती है आपकी गलतियां। आप अगर आप गलतियां कर रहे हो तो आप उस पर वर्क करो। आप क्या करते हो,
जो वर्क तो देते हो डेली बेसिस पे, बट उसका एनालिसिस आप डीपली नहीं करते हो। आप क्या करते हो, जैसे वर्क दिया 100 में से अगर आपके 40 नंबर आए तो आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन सही है उसको तो देखोगे नहीं। अब सबसे बड़ी गलती होती है आपकी यही, अगर आपका कोई क्वेश्चन सही हुआ है, जैसे क्वांटिटी अगर मैं बात करूँ या पजल्स की मैं बात करूँ, तो अगर आपके क्वेश्चन सही हुए हैं तो किस वजह से सही हुए, क्या मैं उसमें स्पीड ला सकता हूँ, अगर आप उसमें स्पीड ला सकते हो तो वहाँ पे वर्क करो। उसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप क्या करते हो, दिल पे ले लेते हो उसको, ईगो पे, अगर आप कहें ईगो पे ले लेते हो आप, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो करना, यह चीज आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो उसको विद इन टाइम सॉल्व करना है, अगर आप नहीं होता है तो उसको स्किप कर दो। अब जैसे बच्चे क्या करते हैं, अर्थमेटिक में क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसका आंसर आ गया, बट फिर भी क्या करेंगे, 1-2 मिनट उसमें और लगाएंगे, वापस उसको पढ़ेंगे, एक बार चेक करेंगे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, वहां से आपका टाइम भी खराब हो रहा है और आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो भी कम हो जाएंगे, आपको ये चीज भी नहीं करनी। उसके बाद कोई क्वेश्चन अगर मेरा गलत हुआ है तो आपको उसी पे वर्क करना है, वीक पॉइंट पे अगर काम करना शुरू कर दोगे स्टार्टिंग से, अगर आपको देखो तो 3 से 4 महीने का टाइम है भी आपके पास आरआरबी के लिए, और आरबीआई असिस्टेंट का भी जुलाई में एग्जाम है एक्सपेक्टेड, अभी से वर्क करना स्टार्ट कर दो, ताकि आने वाले दिनों में आपकी क्या हो, एक्यूरेसी भी खराब ना हो, आपकी स्पीड भी ना खराब हो, और डेली बेसिस पे आप क्या करो, मॉक देना शुरू कर दो गाइस, और 2 से 3, 2 तो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज लेके चलो, एक इजी लेके चलो और एक आपकी होनी चाहिए जो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चले गाइस, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो इंस्टा पर मुझे मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स कर देना गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।